सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। सलमान खान को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस की जांच से पता चला है कि लॉरेंस ने सलमान की हत्या की सुपारी दी थी और एक शूटर उनकी हत्या के लिए मुंबई पहुँच भी गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। पिछले दिनों सलमान खान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरा लेटर मिला था। इसके बाद सलमान खान हाल में मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिले और लाइसेंसी हथियार रखने के लिए एप्लीकेशन दी थी। अब खबर है कि सलमान खान अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ ही गाड़ी भी अपग्रेड कर ली है। सलमान खान अब वाइट कलर की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में चलने लगे हैं और उनके साथ हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड का एक दस्ता भी रहता है। इससे पहले सलमान खान लैंड रोवर में सफ़र करते थे। दरअसल सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को राजस्थान का बिश्नोई समाज पवित्र मानता है। इसके बाद ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बिश्नोई समाज के सम्मान के नाम पर सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। तब से ये मैटर शुरू हुआ था। तो दोस्तों, सलमान खान की मूवीज़ की बात करें तो वो अभी गॉडफादर मूवीज़ के एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं। उसके बाद सलमान खान भाईजान मूवीज़ की शूटिंग शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सलमान खान की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें।